ये 24 गोलियों का एक सेट होता है, किट होती है, जो कि 1200 रुपये में आपको मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है उसके अनुसार ये काफ़ी बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइना को टाइट करने वाली टैबलेट के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि जब महिलाओं की वेजाइना ढीली पड़ जाती है, या तो एज की वजह से, आपकी एज बढ़ती जा रही है, या चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चे का जन्म होता है उस दौरान आपकी वेजाइना लूज हो जाती है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है, आत्मविश्वास कम होता चला जाता है, क्योंकि जो उनका मेल पार्टनर है वो चाहता है कि महिला की जो वेजाइना है वो टाइट हो, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान वो उतना आनंद नहीं ले पाते हैं अगर वेजाइना ढीली है। तो अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, क्लिनिक पर भी पूछे जाते हैं कि जी ऐसी कोई टैबलेट है या कोई सर्जरी हमें करानी चाहिए जिससे कि वेजाइना टाइट हो जाए। तो सर्जरी की सलाह तो मैं आपको नहीं दूंगा, सर्जरी बिल्कुल मत कराएं। हाँ, एक टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आयुर्वेदिक टैबलेट है VG3, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, यानी इसके अवयव की, तो इसमें गुलाब, जूही, मजुफल, सुहागा, दृढ़रंगा और दृढ़ बीज पाए जाते हैं। ये 24 गोलियों का एक सेट होता है, किट होती है, जो कि 1200 रुपये में आपको मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है उसके अनुसार ये काफ़ी बेहतर है। टैबलेट आपने समझ ली, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ये केवल वेजाइनल यूज़ के लिए ही होती है, यानी इसे मुंह द्वारा नहीं लेना होता है, आपको इसे निगलना नहीं है, इसे इस्तेमाल करना है आपको वेजाइना में, आपको इसे इंसर्ट करना है। 1.5 इंच या 2 इंच की आपको अंदर गहराई होनी चाहिए, वहाँ पर इसे इंसर्ट कर सकते हैं, पूरा अंदर ना ले जाएं इसे। और इंसर्ट करने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको आधा घंटे लेटे रहना है। क्यों? क्योंकि जब आप टैबलेट को इंसर्ट करेंगे और आप चलेंगे फिरेंगे कुछ काम करेंगे तो वो निकल भी सकती है, वो काम नहीं करेगी। जब आप आधा घंटा लेटे रहते हैं तो ये क्या करती है, डिजोल्व हो जाती है, वेजाइना में डिजोल्व हो जाती है और आपको इफेक्टिव रिजल्ट देती है। 20 मिनट में ही आपकी वेजाइना टाइट हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इफेक्टिव रिजल्ट, चाहते हैं परमानेंट रिजल्ट, ये तो आपका टाइम के टाइम आपने टाइट कर दी वेजाइना को, लेकिन आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रहे, हमेशा के लिए ऐसा रहे, तो इसका कोर्स आपको करना है 3 महीने तक। अब 3 महीने तक कैसे करना है, जो शुरू का महीना है, पहला महीना है, उसमें आपको एक दिन छोड़कर टैबलेट लेनी है। जैसे आपने 1 तारीख को टैबलेट ली तो 2 को नहीं लेनी, 3 तारीख को लेनी है, तो एक दिन छोड़कर के अल्टरनेट डेज पर आप इसे ले सकते हैं। दूसरे महीने में कैसे लेनी है, आपको 2 दिन स्किप करने हैं, यानी जैसे आपने 1 तारीख को ली, 2 को नहीं लेनी, 3 को नहीं लेनी, 4 को लेनी है, 2 दिन आपको स्किप करने हैं। जब तीसरा महीना आएगा तो आपको हफ्ते में केवल एक बार ही टैबलेट का इस्तेमाल करना है, उसे एक बार ही इंसर्ट करना होगा। 3 महीने के बाद इसे आप देखें कि कंडीशन कैसी है, अगर रिजल्ट बेहतर मिल जाते हैं आपको तो दवाई छोड़ दीजिएगा, अगर कुछ कमी रह जाती है तो कोर्स को थोड़ा आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि रिजल्ट आपका कैसा मिला है और फिर डोज कैसे बढ़ाई जाएगी आगे, वो इस पर निर्भर करता है, बट ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा देती है और 3 महीने का जब आप कोर्स करते हैं तो बहुत बेहतर इसका रिजल्ट होता है। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखिए, देसी दवाइयाँ तो साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में 100 में से 2 में 3 में ऐसी कंडीशन आती है कि आपको खुजली हो सकती है, आपको जलन हो सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस टैबलेट को बाहर निकाल दें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी बेहतरीन दवाइयाँ कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता है। इस टैबलेट का प्रयोग आपको रात में ही करना है, रात को सोने से पहले, या फिर आप इंटरकोर्स करने वाले अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होने वाले हैं तो उस दौरान आपको आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले इस टैबलेट को इस्तेमाल कर लेना है। अदरवाइज अगर आप इंटरकोर्स नहीं भी करते हैं तो भी रेगुलर इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोने से पहले आप इसका प्रयोग करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं इसकी सावधानी क्या रखनी है, यानी क्या इसमें बचाव रखना है हमें। देखिए, अगर आपको डेट हो रही है, पीरियड चल रहे हैं आपको, तब इस टैबलेट का प्रयोग ना करें। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तब भी इस टैबलेट का प्रयोग ना करें, क्योंकि इफेक्टिव रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। इन 2 चीज़ में आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखें, नमस्कार, धन्यवाद।